खुर्रम साहब, जी 11 अक्टूबर 2021 को सदर आरिफ अलवी ने आम माफ़ी की ऑफ़र की। उसके बाद 16 अक्टूबर 2021 को 5 दिन बाद उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऑफ़र की, जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके बावजूद मेरे पास ये 22 नवंबर 2021 की ये है, गवर्नमेंट रिलीजेस ओवर 100 TTP प्रिजनर्स एज गुड विल जेस्चर, जिसमें प्रेसिडेंशियल पार्डन भी अवार्ड जी, किया ठीक गया। है जी। और ये नवंबर 2021 ही है जिसमें एक जो इन्होंने अच्छा काम किया था, अप्रैल 2021 में तहरीके लबैक पाकिस्तान को बैन किया था, नवंबर 2021 में इन्होंने दोबारा वो बैन उठा लिया। अब देखें ना, वही दिन है जब ये TTP को भी दोबारा रिलीज कर रहे हैं और तहरीके लबैक पाकिस्तान के ऊपर से बैन भी उठा लिया जो उन्होंने 6 महीने पहले लगाया था। तो फिर जवाब तो देने हैं ना। फिर दूसरा ये भी तरीका, और मैं बहुत सारी बातों से एग्री करता हूं कि जी गुफ्तगू करनी है, तो फिर अगर हमने दहशतगर्दी से लड़ना है, जिस सूबे में 11 साल से इस जमात की हुकूमत है, वो हुकूमत कौन सा अमर माने है? वो कहे कि हम ऑपरेशन करेंगे, वफाक हमारे साथ चले, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, वफाक हमारे साथ चले, वफाक हमें सपोर्ट करे। और चूंकि अगर वो मुंतखब हुकूमत जिसका ये दावा कर रहे हैं, मुंतखब हुकूमत के तमाम मुंतखब अराकीन मौजूद हैं उन इलाकों के असेंबली में बैठे हुए हैं, अगर वो इसको स्पेयर हेड करें कि जी हम ऑपरेशन करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं है? सर, लेकिन इसमें जवाब क्या आता है? ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खुर्रम साहब, ऐसे इसमें कसूरवार सारे हैं, सिर्फ ये ना कहें कि पीटीआई की तरफ फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट पीटीआई। मैं आपसे इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है और कहना जी गुफ्तगु हम करेंगे, और भाई ऑपरेशन किसी ऊपर से बाहर से आगे फोर्स तो नहीं करना ना। सबसे पहली जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट दिए हैं, उनके जान और माल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी। खुर्रम साहब, लेकिन अगर मुकामी लोग ये आपसे सवाल करते हैं कि आपने ज़र्ब अज़्म में हमें घर से बेघर किया, डिस्प्लेस हुए हम, दोबारा ये लोग यहां क्यों आए, तो उनको हक हासिल है वो सवाल पूछे और आप जवाब दें? जरूर पूछें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग खुद क्यों अपना कदम नहीं उठाते कि जनाब हम करेंगे, हम जो है जो डिस्प्लेस्ड पर्सन का जो एक बड़ा भयानक वाक्य हुआ था, हम उसे सबक सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुस्बत बात नहीं करनी। क्या जवाब आता है? धमकियां और ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये तो कोई मुस्बत तामीरी अमल नहीं है जिसके जरिए हम इस दहशतगर्दी के मामले से एक सिविलियन लीडरशिप, इलेक्टेड लीडरशिप के जरिए निमट सके। यहां तो यह है कि जी ऑपरेशन कोई और करेगा आके, हम तो उसके मुखालिफ हैं, और वो तमाम जो मुंतखब अराकीन हैं इन तमाम इलाकों के जहां ये फैल रहा है सारा मामला, वो उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों की जानो माल की हिफाजत? तो लिहाजा विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को भी संभाले। और मैं ये इनको तो चाहिए था कि हमारा सो कॉल्ड हमारा ब्लफ कॉल करते, कहते जी देखें आप तो ऑपरेशन कर नहीं रहे, हम चाहते हैं कि हम इन इलाकों में जिन इलाके के लोगों ने हमें वोट दिए हम ऑपरेशन करेंगे, आप हमारे साथ चलें, लेकिन साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। हर बार बार कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं आगे चलने देंगे।